प्रिय छात्रों, आप विश्वास तो करो, आप विश्वास करते नहीं हो। हम जो वीडियो बनाते हैं उनसे परीक्षा में पूरा पूरा आता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते हैं, अन्य लोगों पर विश्वास करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। विश्वास करो और किसी परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करो। प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भविष्य में किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। आज का आपका टॉपिक है जैव विविधता। विविधता माने विभिन्नता, जैव माने जीव, तो जीवों में विभिन्नता माने अनेक प्रकार के जीवों का उपस्थित होना, अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना। जीवों की विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। अब जीव कौन होते हैं? पेड़ पौधे भी जीव होते हैं और अपन लोग भी, जंतु भी जीव होते हैं। तो ये आप समझ गए, जैव में क्या क्या आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे और अपन लोग आएंगे। इनके अनेक प्रकारों का पाया जाना ही कहलाता है जैव विविधता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी, जैव विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र के समस्त जातियों, यहाँ पर ध्यान देना, जैव विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र के, कोई भी विशेष क्षेत्र हो सकता है, समस्त जीव जातियों एवं पारितंत्रों के संग्रह से है। अर्थात किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती। आपको इतना ही याद रखना है, देखो ज़्यादा याद नहीं रखना है। कोई विशेष क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या पाई जाती है। किसी विशेष क्षेत्र में जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या पाई जाती है, इसे जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। पारिस्थितिक तंत्र माने पेड़ पौधे होते हैं, उनको कौन खाते हैं? खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को सांप खाते हैं, सांप को बाज खाता है। तो ये होता है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर है आपका कि जैव विविधता के स्तर कितने हैं, माने विभिन्नता किस किस स्तर पर मिल सकती है अपन को। तो देखो, आनुवंशिक विविधता होती है, प्रजातीय होती है और समुदाय विविधता होती है। इसको याद कैसे रखें? हमने कहा ये तो आपस की बात है, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो तो हम आपको किसी भी परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। ये तो आपस की बात है। आ से अपन याद रखेंगे आनुवंशिक विविधता, पा से याद रखेंगे प्रजातीय विविधता और सा से याद रखेंगे समुदाय विविधता। आपस, अभी याद करना आपस। तो आनुवंशिक विविधता क्या होती है? प्रजाति में जो प्रजातियाँ होती हैं, किसी भी जीव की प्रजाति हो सकती हैं, उन प्रजातियों में के जीवों में क्या है, आनुवंशिक परिवर्तनशीलता हो। यहाँ देखो लिखा है एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता होती है। जैसे भारत में परंपरागत चावल की अनेक किस्में हैं, आम की अनेक किस्में हैं। जैसे आम पता कितने प्रकार के होते हैं? दशहरी आम है, कलमी आम, बहुत सारे आम होते हैं, है तो आम। तो ये लिखा है एक ही प्रजाति, माने आम क्या है, एक प्रजाति है। अब उस प्रजाति के अंदर भी कई प्रकार के जातियां हो सकती हैं। तो एक प्रजाति के जीवों के मध्य में यदि आनुवंशिक परिवर्तनशीलता है, आनुवंशिक विविधता है, तो उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? ट्रिक क्या बताई हमने? आपस, आ अगर आप आ का उत्तर निकाल रहे हैं आनुवंशिक विविधता, तो पास उत्तर आ जाएगा इसका प्रजातीय विविधता ही आनुवंशिक विविधता कहलाती है। अब ये प्रजातीय विविधता है, इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? ट्रिक क्या है? आपस, आ का उत्तर पास से आया तो पा का उत्तर सा से आएगा। प्रजातीय विविधता, ये क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, समुदाय विविधता। प्रजातीय विविधता का उत्तर रहेगा किसी समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को, किसी समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को ही कहते हैं प्रजातीय विविधता। तो को ट्रक पर ध्यान, ये याद मत कर रहा, कोई जरूरी नहीं है। अब समुदाय, आ का उत्तर पास ही आया
पा का उत्तर सा से आया। अब समुदाय का उत्तर, समुदाय का उत्तर आ से आएगा, समुदाय का उत्तर आ से आएगा। कैसे आएगा? समुदाय विविधता, समुदाय विविधता से तात्पर्य पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान विभिन्न जैव समुदायों की परस्पर अंतःक्रिया से है, जिसके कुछ विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक ही प्रजाति के जीवों के मत, जीव लिखा है, यहाँ भी आया समुदाय विविधता में, समुदाय में ये लिखा है जीव माने जैव माने जीवों, जैव समुदायों, जैव समुदाय में, जैव समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को समुदाय विविधता कहते हैं, जैव समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को समुदाय विविधता कहते हैं। ऐसे उत्तर याद रखना। देखो एक बार और देख लो, आनुवंशिक विविधता क्या होती है? प्रकृति आपस माने एक प्रजाति के जीवों में, एक प्रजाति के जीवों में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। पास उत्तर आ गया, प्रजाति विविधता का उत्तर सा से निकलना है आपस। तो किसी समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को प्रजातीय विविधता कहते हैं। समुदाय विविधता जीवों और समुदाय, जीवों और समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को समुदाय विविधता कहते हैं। अब है अगला टॉपिक, भारतीय जैव विविधता के स्तर माने अपने देश में कितने प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। मलायन जैव विविधता, जो मलायन जैव विविधता है कहाँ मिलती है अपन को? पूर्वी हिमालय की घाटियों में मिलती है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलती है। इतना ही याद करना, मलायन जैव विविधता अपन को भारत में कहाँ देखने को मिलती है? पूर्वी हिमालय की घाटियों में मिलती है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलती है मलायन जैव विविधता। अब इथोपियन जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो जो इथोपियन जैव विविधता है ये राजस्थान और इसके आसपास के जो शुष्क क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान के देना, इथोपियन, इथोपियन कैसा देश है? इथोपियन क्षेत्र कौन सा है? जहाँ रेगिस्तान है, सूखा रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो इससे उत्तर अपना आ जाता है। और अपने देश में सूखा स्थान अधिकतर कहाँ है? राजस्थान के आसपास है। तो इथोपियन जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब देखना यह है यूरोपियन जैव विविधता, याद कैसे रख? जो यूरोप वाले देश हैं बच्चों, दोस्तों, यहाँ ठंड बहुत रहती है। यूरोपीय जितने भी देश हैं, जो यूरोप महाद्वीप है, इन देशों में ठंड रहती है। अब यूरोपियन जैव विविधता अपने भारत में कहाँ मिलेगी? आपने उत्तर सोच लिया होगा। यूरोपियन जैव विविधता कहाँ मिलती है? उच्च हिमालय क्षेत्र में, माने हिमालय की जैसी ऊंचाई पर अपन चलते जाते हैं तो वहाँ बर्फ़ पड़ने लगती है, तो उच्च हिमालय में कहाँ मिलेगी? उच्च हिमालय में मिलती है यूरोपियन जैव विविधता, जो हिम आच्छादित रहता है। तो देखो कितने सरल तरीके से हम आपको बताते हैं, एक बार आप वीडियो और देख सकते हैं तो आपको और समस्या जो हो रही है वो भी अपनी दूर हो सकती है। अब भारतीय जैव विविधता, चौथा पॉइंट क्या है? भारतीय जैव विविधता। अब भारतीय जैव विविधता कहाँ मिलती है? ये प्रायद्वीप के पठार में मिलती है। ये प्रायद्वीप का पठार कहाँ है? ये दक्षिण भारत का जो एरिया आता है वो प्रायद्वीपीय पठार होता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया तमिलनाडु में कौन सी विविधता है? भारतीय जैव विविधता है। कर्नाटक में कौन सी जैव विविधता है? भारतीय जैव विविधता है। केरल में कौन सी जैव विविधता है? भारतीय जैव विविधता है, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय राज्य है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पर मिलती है भारतीय जैव विविधता। अब जैव विविधता से संबंधित प्रमुख तत्व क्या हैं वो अपन देखना है। जैव विविधता की प्रचुरता की दृष्टि से विभिन्न स्थलों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समझना बात, सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की संख्या, असंख्य प्रकार के जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? वो मिलती है अपन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उसके बाद मिलती है प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों में, उसके बाद आर्द्र भूमि में, उसके बाद घास स्थल में। तो ये आपका क्रम रहता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि प्रवाल भित्तियों में
जैव विविधता की विशाल जलराशि है। इन्हें समुद्र के वर्षा वन भी कहते हैं। जो समुद्र होता है, समुद्र में भी वर्षा होती है। समुद्र के जिस एरिया में ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ प्रबाल भित्ति वाली जैव विविधता पाई जाती है। तो प्रबाल भित्ति वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? समुद्र के वर्षा वन। मान समुद्र में वर्षा जहाँ होती है, वहाँ प्रबाल भित्ति बन जाती है और उसे कहते हैं समुद्र के वर्षा वन। विश्व की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति कहाँ मिलेगी आपको? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। अब यहाँ लिखा है हॉट स्पॉट क्या होते हैं। हॉट स्पॉट क्या होते हैं? तो हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक होती है। हॉट स्पॉट क्या होते हैं? हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक होती है, लेकिन यहाँ पर ह्रास का खतरा भी होता है, इनके समाप्ति का खतरा भी होता है। इसका प्रतिपादन वर्ष 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। ये कई बार पूछा गया, हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? किसने दिया था हॉट स्पॉट का प्रतिपादन? किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। तो समझ गए आप हॉट स्पॉट क्या होते हैं। हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता अत्यधिक होती है, लेकिन इसके समाप्ति का खतरा भी उतना ही अधिक होता है। और उसका प्रतिपादन किया था नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट का संबंध किससे है? नॉर्मन मायर्स से। याद रख लो, हॉटस्पॉट क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। इसकी परिभाषा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने। अब बात करते हैं कि भारत में मुख्यतः जैव विविधता के चार तप्त स्थल माने, भारत में हॉटस्पॉट की संख्या है चार। भारत में चार हॉटस्पॉट हैं, वहाँ भयंकर जैव विविधता है, लेकिन खतरे की संभावनाएं भी बहुत है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, एक आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो गया, एक हो गया आपका सुंडालैंड, एक हो गया इंडो बर्मन क्षेत्र। ये चार आपको याद करने हैं, ये चार आपको याद करने हैं, ध्यान दें। भारत में मुख्यतः जो हॉटस्पॉट की संख्या वो कितनी है? चार है। ये संख्या आपको याद करनी है, परीक्षा में कई बार पूछे गए। और आपको पता है विश्व में 12 है, पूरे विश्व में जैव विविधता वाले जितने भी देश हैं वो 12 हैं, और 12 में अपने देश का नाम भी शामिल है। अब जैव विविधता का ह्रास किस कारण से हो रहा है? इसके कारण ये हैं, ये तो सरल है, ये कोई भी लगा सकता है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता हुआ वन्य जीवों का संरक्षण, माने जैव विविधता को बचाना और वन्य जीवों को बचाना, माने वन्य जीवों का संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना। जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने के संरक्षण के दो तरीके हैं। स्वस्थाने माने कोई जीव कोई जंतु जहाँ रहते हैं आसपास से बाउंड्री कर दो, तो हो गया स्वस्थाने। एक है परिस्थाने, अगर ऐसा लगे कि जीव जंतु वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो उसको वहाँ से पकड़ करके किसी पराय स्थान माने दूसरे स्थान पर उसको सुरक्षित रख दो, आसपास से बाउंड्री वगैरह कर दो। जैसे चिड़ियाघर है, जू चिड़ियाघर है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जीव जंतु ला करके बंद कर दिए जाते हैं, उन पर भोजन दिया जाता है। तो ये हो गया परिस्थाने। तो यही लिखा है यहाँ पर, जब जीव जातियों को उनके ही आवास में उनको सुरक्षित कर दिया जाता है तो स्वस्थाने, दूसरे स्थान में रखा जाता है तो परिस्थाने। परिस्थाने स्वस्थाने क्या हैं? देखो, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र माने बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत पूछा जाता है। अपना पचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। पवित्र उपवन, झीलें, ये सभी स्वस्थाने में आते हैं। परिस्थाने में क्या आते हैं? चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान बोल दिए, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, संरक्षण स्थल,
जीन बैंक, परागकण बैंक, बीज बैंक, पौधे ऊतक एवं डीएनए बैंक आदि। ये पर स्थान है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता। अब पूछा जाता कि IUCN रेड डाटा बुक क्या है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। IUCN, आई का मतलब है इंटरनेशनल, ई का, यू का मतलब यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दुर्लभ जातियों के बचाने के लिए, मतलब दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए एवं प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, नाम इतना ही है, ने पांच मुख्य संरक्षण वर्गों की स्थापना की। इन्होंने ये कहा है कि पांच प्रकार से अपन को जीवों को बचाना, पांच प्रकार से जीवों को बचाना है, किनको बचाने की कितनी आवश्यकता है और किन किस जीव को कितना खतरा है, तो उसको अलग अलग उसमें रखा गया, विलुप्त के रूप में रखा गया किसी को, संकटापन के रूप में रखा गया, सुभेद के रूप में, दुर्लभ के रूप में और अपर्याप्त ज्ञात स्पीसीज के रूप में रखे गए। याद कैसे रखें, इनको याद नहीं कर सकते अपन। अपन मन में क्या करो, ये मानो ये कोई नाम है, अपने दोस्त के नाम है, अपने दोस्त के नाम है तो याद कर सकते हो। हमने कहा विलुप्त संकटापन सुभेद दुर्लभ, विलुप्त संकटापन सुभेद दुर्लभ से पूछो अपर्याप्त ज्ञात स्पीसीज, विलुप्त संकटापन सुभेद दुर्लभ, विलुप्त संकटापन सुभेद दुर्लभ से पूछो अपर्याप्त ज्ञात स्पीसीज, तो उसमें नाम आ जाते हैं विलुप्त संकटापन सुभेद दुर्लभ और अपर्याप्त ज्ञात स्पीसीज। IUCN विश्व संरक्षण संघ भी कहलाता है, IUCN क्या कहलाता है, विश्व संरक्षण संघ भी कहलाता है, जिसका मुख्यालय गलैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN ने वर्ष 1978 में पौधों पर, यहाँ इम्पोर्टेंट है, IUCN जो है इन्होंने 1978 में पौधों पर और 10 साल बाद 1988 में जंतुओं पर रेड डाटा बुक्स का प्रकाशन किया था। और जब से कर रहे हैं, जो IUCN संघ जो है, IUCN जो संघ है, यह 1978 से पौधों के बारे में प्रकाशन कर रहा है और 88 से जंतुओं पर रेड डाटा बुक्स का प्रकाशन कर रहा है। अब यहाँ लिखा है कि संकटापन प्रजातियों की श्रेणी, न्यूनतम चिंता वाली प्रजाति, लगभग संकटापन प्रजाति, फिर सुभेद प्रजाति। यहाँ इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, सुभेद, सु को याद करो, कुछ सौ, सौ का आधा क्या होता है, 50, तो याद करेंगे अपन सुभेद प्रजाति में कौन जीवों को रखा गया है, जो जीव क्या है 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में, जिन जीवों की 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में उसके सदस्यों का उसके 50% सदस्यों का विनाश हो गया, उन्हें रखा गया है सुभेद प्रजाति में। याद देखो, तो ये याद नहीं होता है, समझो बात, सुभेद, सु माने 100, 100 का आधा 50, तो ऐसे प्रजाति के जीव जिनका 50% विनाश हो गया है विगत 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में। अब है संकटापन प्रजाति, स माने 70, ऐसे जीव प्रजाति जिनका विगत 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में, विगत 10 वर्ष और 3 पीढ़ियों में 70% कमी हो गई है, ह्रास हो गया, उन जातियों को रखा है संकटापन। माने कहीं 100 जीव थे, 70 मर गए, 30 बचे, तो उन्हें किस में रखा गया है, संकटापन प्रजाति में रखा गया है, स माने 70, ऐसे याद होगा। अति संकट अ 80, ऐसे जीव जिनकी 3 पीढ़ियों में और विगत 10 वर्षों में 80% जीव उनके मर गए हैं, तो ऐसे जीवों को रखा गया अति संकटापन प्रजाति में। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी अच्छे से याद रखें।
और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।